दोस्तों अब तक हम अपने WhatsApp अपने किसी भी पर्सनल चैट को लॉक करने के लिए और लॉक करके उसे हाइड करने के लिए हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके उसकी मदद लिया करते थे, लेकिन फाइनली अब जाकर WhatsApp में एक बहुत ही कमाल की अपडेट आ चुकी है जिसके बाद अब आपको किसी भी अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियली WhatsApp एप्लीकेशन के अंदर में WhatsApp मैसेंजर एप्लीकेशन के अंदर में ये सेटिंग आ चुकी है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आप अपने WhatsApp के अंदर में अपने किसी भी पर्सनल चैट को आप लॉक कर सकते हैं और साथ ही लॉक करने के बाद आप उसे हाइड भी कर सकते हैं। और ये सेटिंग आपको कहां पर देखने को मिलेगी सब कुछ आगे इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अपने डायरेक्ट व्हाट्सएप में जाते हैं, व्हाट्सएप में जाने के बाद राइट सामने थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, सेटिंग पे जाकर कहीं पर भी आप उस सेटिंग को ढूंढेंगे तो आपको वो सेटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप अपने WhatsApp एप्लीकेशन को यहां से अपडेट कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा WhatsApp एप्लीकेशन यहां पे अपडेट मांग रहा है, तब अपडेट कर लीजिए। अपडेट कर लेने से क्या होगा दोस्तों, जो भी WhatsApp के नए नए फीचर्स अपडेट आते हैं वो आपको साथ ही साथ आपके मोबाइल के WhatsApp मैसेंजर में देखने को मिल जाते हैं। WhatsApp एप्लीकेशन अपडेट हो जाने के बाद आप अपने WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अब दोस्तों आप अपने WhatsApp के किसी भी पर्सनल चैट पर लॉक लगाकर फिर उसे हाइड करके रखना चाहते हैं अपने WhatsApp अकाउंट पर, तो बस आपको क्या करना है उसके प्रोफाइल पर इस तरीके से टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों राइट साइड में जो आई वाला आइकन आपको देखने को मिल रहा है, इस आई वाले आइकन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद अब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे। तो नीचे पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी, न्यू सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है चैट लॉक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तब चैट लॉक पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कीप दिस चैट लॉक एंड हिडन। आप यहाँ पे अपने चैट को लॉक करके आप उसे हाइड भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप लॉक दिस चैट विथ फिंगरप्रिंट। अगर आपका फ़ोन फिंगरप्रिंट सपोर्टेड है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बस इस पर इस तरीके से टैप करके इनेबल करेंगे, फ़ोन में फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा, आप फिंगरप्रिंट डालेंगे या पासवर्ड डालेंगे। बस उसके बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक जो पर्सनल चैट है वो यहाँ पे लॉक हो चुकी है, हाइड हो चुकी है। अब वो यहाँ पर आपको देखने को कहाँ पर मिलेगी चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपको वो बंदा आपको मैसेज करता है या आप उसे मैसेज करना चाहते हैं तो आपने उसे लॉक कर दिया है और हाइड कर दिया, जो यहाँ पे सामने में आपको देखने को नहीं मिल रही, तो उस बंदे का चैट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप नीचे की ओर इस तरीके से ज़रा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगी लॉक्ड चैट का। जितने भी आपने चैट्स को लॉक करके रखे हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर से मैं आपको बताता हूँ उसे देखने के लिए दोस्तों, आपका नॉर्मली यहाँ पे आपका WhatsApp अकाउंट इस तरीके से रहेगा तो आपको नीचे राइट साइड की ओर इस तरीके से स्वाइप करना है तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगी लॉक्ड चैट का, आप उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप अपना फिंगरप्रिंट या पासवर्ड डालेंगे। इस तरीके से जो भी चैट आपने लॉक करके हाइड करके रखेंगे वो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ से चैट को ओपन कीजिए, यहाँ पे जो भी मैसेज वगैरह सेंड करना चाहते हैं आप सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद फिर से बैक आएंगे तो फिर से वो इस तरीके से आपके WhatsApp अकाउंट में हाइड हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसी पर्सनल चैट को लॉक लगाकर आपने हाइड करके रखा है। और अगर आप उस चैट को वापस से अनहाइड करना चाहते हैं, वापस से अनलॉक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके WhatsApp के फ्रंट पेज में इस तरीके से वापस से आ जाए तो इसी तरीके से नीचे की ओर स्वाइप डाउन कीजिए, लॉक चैट पे क्लिक कीजिए, फिंगरप्रिंट डालकर अनलॉक कीजिए। देन आप उस चैट के प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करेंगे, फिर से डॉट वाले आइकन वाले डॉट पर क्लिक करेंगे। देन आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो चैट लॉक का जो सेटिंग यहाँ पर देख सकते हो ऑन है, आप उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद इसे बंद करेंगे, फिर से फिंगरप्रिंट डालकर कंफर्म करेंगे और ये बंद हो चुकी है। और फिर से आपके WhatsApp अकाउंट के मेन पेज में इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चैट वापस से आ चुकी है। आप यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने चाहे उतने चैट को आप लॉक लगाकर हाइड करके रख सकते हैं या पर्सनली आप किसी एक दो चैट को भी हाइड करके रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप भी अपने WhatsApp में WhatsApp चैट वाली सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं और अपने किसी भी पर्सनल चैट को आप हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, उस पर लॉक लगाकर रख सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।